कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने, कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने। उन्होंने कहा कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। गुड मॉर्निंग। तो आज है दशमी, मक्खन है दशहरा। आप सभी को पहली बार ही बन रहा है 9-10 दिन के बाद। मम्मी काट रही है प्याज नेगा। आप देख सकते हैं कि माता रानी का विसर्जन होने वाला है, कैसे यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग। तो आज है दशमी और आज विसर्जन है ना। हाँ, तो आज विसर्जन है और फिर मम्मी का व्रत भी खत्म हो रहा है। तो आज देखते हैं कि किचन में क्या बनने जा रहा है। मम्मी से जा रहे पूछने। तो आज मम्मी आज नमक खाएंगे ना। मक्खन खाएगी। अरे खाने में नमक का यूज। और ये लहसुन तो मम्मी कब से छोड़ी हुई थी। हाँ, नौ दिन तो मम्मी आज 9 दिन के बाद दसवां दिन है आज। तो आज वो नमक लहसुन प्याज वगैरह जो भी है वो खाएंगे। बाकी खाते नहीं, तो फ्रूट ही खाते थे ना 9 दिन से। हाँ, ये ऑलरेडी सब लोग को पता है कि नवरात्र जब भी होता है, नवरात्र करने वाले लोग जो भी हैं वो ऑलमोस्ट फल फूल ही खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या कोई कोई सेंधा नमक का भी। आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आप सभी को ऐसे कल भी था, हाफ टाइम दशहरा था, नौमी दसवीं दोनों था और आज भी दशहरा है, 2 दिन दशहरा। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं आज मॉम के लिए क्या स्पेशल खाना बनने वाला है और पूजा क्या खाना बनाएंगी और मॉम भी बनाएंगे साथ में दोनों मिलके। और इसके बाद आपको हो सका तो विसर्जन का दर्शन कराएंगे माता रानी के। आज लास्ट दर्शन होगा और माता रानी आज चली जाएंगी हम लोग से विदा लेके। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, आपको पता ही है कि 9 दिन पूजा करना और लास्ट दिन जब उसका विसर्जन होता है तो जब उस तो बहुत बहुत सुना से लगता है उस जगह और बहुत इमोशनल होता है। तो फिर लेके चलते हैं आपको किचन में। पहली बार ही बन रहा है 9-10 दिन के बाद बिना ये लहसुन प्याज के खाना बन रहा है, पहली बार बन रहा है। किचन में तैयारी हो रही है सब्जी बनने की, आलू गोभी की सब्जी बन रही है, दाल चावल और लहसुन प्याज के साथ। काफी दिनों के बाद ऐसा बन रहा है। और मम्मी काट रही है प्याज। पकौड़ी बनेगा। अभी आप देख सकते हैं कि माता रानी का विसर्जन होने वाला है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पूजा स्थल पे और बस थोड़ी देर में विसर्जन होगा। आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे विसर्जन होगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चलिए तो बहुत समय के बाद इस तरह से मौका मिला मुझे और माता रानी का विसर्जन था। और ये माता रानी की जो मूर्ति थी इसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज जो ऊपर का जो ये आप देख सकते हैं फ्रेम बना हुआ था उसमें सड़ जा रही थी। तो लास्ट में मूर्ति को दर्शन करके हमने निकाला इसे।
और यहीं पे हम लोग का माता का विसर्जन होता है। और आपको पता ही है कि अब छठ भी आने वाली है और यहाँ पे छठ भी होता है इसी पोखरी में। देखा, माता रानी का विसर्जन हो चुका है और अभी लगभग सुबह के 10 बजने वाले हैं, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं फिर। बहुत मेहनत हो रहा है ना आपके हस्बैंड। हमेशा तुम बोलती हो ना, आप हमें हमेशा बैठे हुए दिखाते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि पूजा बैठी रहती है, तो मैंने सोचा ना कि आज तुमको काम करते हुए दिखाते हैं, वर्क करती हो। देखे पूजा नहीं, सारे बर्तन बजे हैं अभी, सभी करते हैं का सारा खाना अभी। इसमें क्या पूजा, इसमें चावल, इसमें चावल है, ये देखिए आलू गोभी की भुजिया, सब्जी दाल लग रहा है और फिर रोटी होगा। जम पेड़ खाना प्रसाद। आप देखिए ये है पूजा की कैपेसिटी, कितना खा सकते हो, बट दिखाते कम है। बोलियो आवाज खुल के बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा बाबू, एक बार खुल के बोलो, खुल के नहीं बोल दोगे ना, मना बोल दोगे नहीं खाएंगे, बोल नहीं बोलो नहीं खाएंगे, जल्दी वन टू जल्दी, फिर से फिर से फिर से फिर से सही, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, एक बार नहीं नहीं बार बोल, एक बार बोल जल्दी, नहीं खाना नहीं तो खिला देंगे, जल्दी बोलो नहीं खाओ बेटू जी। ओए 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 बेटू, नहीं मैं बेटू नहीं, तुम बेटू, बेटू जी तुम बोलो, पापा जी बोलो तुम, अब बिल्ली को क्या बोलते हो तुम, बिल्ली, अब बिल्ली 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 को क्या बोलते हो, बीबी बिल्ली, और बनी कैसे बोलता है बनी, बा, 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 बा। लोग हमसे जलते हैं इस बार, हमसे जलते हैं।